दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल हेल्पटस में आपका। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक ई रिक्शा म्यूजिक सिस्टम है जो सिंगल आईसी पे चलता है। आप इसके सर्किट देख सकते हैं, 44 आईसी का है ये, सिंगल आईसी का। ये रिपेयर होने के आया है। कस्टमर ने मुझे बताया है कि इस पर ब्लूटूथ पे आगे मॉड्यूल पे लाइट आ रही है, बस साउंड नहीं आ रहा है और सब कुछ बेटर है। तो सबसे पहले हम इसके पावर चेक करते हैं, ऐसे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसके बाद हम इस आईसी को रिमूव करेंगे, क्योंकि 90% केसेस पे ये आईसी ख़राब होती है, 44 आईसी जो ख़राब होती है, इसीलिए साउंड नहीं आता है। तो हम सबसे पहले इस आईसी को निकालते हैं और दूसरी आईसी को निकाल के देखते हैं पहले। जी देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसकी आईसी निकाल दी है और चेक करने में पाया कि आईसी ख़राब हुई है और कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब हम इस आईसी को करके नई आईसी लगाते हैं। 44 आईसी है ये, इसको हम लगा के पहले सोल्ड करेंगे, इसके बाद टेस्टिंग करते हैं, आपके सामने लाइव दिखाते हैं। ओके, तब तक इसको हम सोल्ड करते हैं, मिलते हैं सोल्ड करने के बाद। आईसी को सोल्ड करने से पहले आपको हम बता दें कि आईसी में पहले मैंने हीट सिंक को अच्छी तरह से कस लिया है ताकि ये हीट ना हो और ज़्यादा लंबे समय तक चले। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा काम करें, अगर हीट सिंक अवेलेबल हो आपके पास तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि लोड पड़ने पे ये हीट होने लगती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। चलो अब हम इसको सोल्ड करके देखें। मैंने आईसी सोल्ड करने के बाद इसको पावर दिया है, पावर आ रहा है। मैंने साउंड को एक चैनल से कनेक्ट कर दिया है इसके साउंड को, और साउंड को चेक करता हूँ। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, एफएम चल रहा है फिल्म टाइम में, इसलिए आवाज़ आ रही होगी। इसको हम ब्लूटूथ लगा के देखते हैं। आप्स लगा और ये लगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की वॉइस बहुत कम है, इसकी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं यहाँ से हम। हाँ अगर ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है, आवाज़ आने लगी इसको। ओके प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसको पैक करके कस्टमर को दे देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।